हेलो एवरीवन, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के सत्र में आप सभी का। गुड इवनिंग एवरीवन ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 11th हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक को कवर करते हुए यूनिट 4th लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मीन्स भू दृश्य, ऑफ द सोल, सोल मीन्स आत्मा, आत्मा का भू दृश्य, इसके सारांश को हिंदी में सुनने समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर के में लेखक ने दो अलग अलग कहानियों का प्रयोग करके कला के दो रूपों, चीनी कला और यूरोपीय कला, ये दोनों कलाएं आपस में विपरीत हैं, इनकी तुलना करके बताने का प्रयास करते हैं। चीन में 8वीं शताब्दी के दौरान तांग सम्राट जुआन जोंग ने एक चित्रकार बू दाओजी को महल में एक दीवार को सजाने, बनाने, संवारने के लिए नियुक्त किया। दीवार की पेंटिंग को देखकर सम्राट ने पेंटिंग के बाहरी स्वरूप को देखना आरंभ किया, लेकिन चित्रकार ने अपना ध्यान पहाड़ की तलहटी में स्थित एक गुफा की ओर आकर्षित किया था। चित्रकार ने सम्राट से कहा कि वह उसके अंदर ले जाए, वह उसे अंदर ले जाएगा, यानी सम्राट को अंदर ले जाएगा। चित्रकार गुफा में घुसा और प्रवेश द्वार बंद हो गया। जैसे ही चित्रकार ने अपने हाथ से ताली बजाई, दीवार पर लगी पेंटिंग हट गई। और ऐसा ही चित्रकार ने भी किया। तो इन कहानियों से पता चलता है कि दुनिया में दो अलग अलग क्षेत्रों में कला के रूप का अनुसरण कैसे माना जाता है, किस प्रकार माना जाता है। यूरोप में एक कलाकार चाहता है कि दर्शक उसकी आंखों को उधार लेकर एक वास्तविक दृष्टिकोण देखे। उधार लेने से तात्पर्य यह है कि वह उसको देखे ही देखे, अगर अपने नेत्रों से न देखने की इच्छा हो तो बल्कि कलाकार की नज़र उधार ले ले, आंखें उधार ले ले और एक वास्तविक दृष्टिकोण देखे, जिस रूप से वह कलाकार उसे दिखाना चाहते उस नज़र से देखे। कला परिपूर्ण होनी चाहिए और भ्रम समानता होनी चाहिए। जबकि चीन में कलाकार एक वास्तविक पेंट नहीं करता, लेकिन एक सार टुकड़ा बनाने के लिए अपनी आंतरिक और आध्यात्मिक आवाज का उपयोग करता है। दर्शक किसी भी बिंदु से पेंटिंग में प्रवेश कर सकता है। और अपनी कल्पना के अनुसार वह यात्रा कर सकता है, जो सोचना चाहे वह सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, सपने देख सकता है। कलाकार चाहता है कि दर्शक उसके दिमाग में प्रवेश करे और अपना रास्ता खुद बनाए, खुद कल्पना करे। तो इस विचार को शैनसुई के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्वतीय जल, जो साथ साथ भूदृश्य शब्द प्रदर्शित करने के लिए
भी प्रयोग होता है। एक छवि के दो से अधिक तत्व हैं, ये दो पूरक ध्रुव प्रदर्शित करते हैं। ये ब्रह्मांड के दाओवादी विचार को प्रतिबिंबित करते हैं। पर्वत यांग है और ऊर्ध्वाधर रूप में आकाश की ओर पहुंचता है। यह स्थिर है, उष्ण है और धूप में सूखा है, जबकि जल इन है। यह क्षितिज के समांतर है, पृथ्वी पर आराम करता है, आसानी से बहने वाला है, आर्द्र और शीतल है। इनकी पारस्परिक क्रिया वह ग्राही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का नारी रूप है और उसका प्रतिपक्ष यांग सक्रिय है और नर रूप में है। यह यथार्थ में डायोस्म का एक मौलिक विचार है। एक तीसरे आवश्यक तत्व की अनदेखी की जाती है और वह तीसरा आवश्यक तत्व है मध्यम का रिक्त स्थान, जहां उनकी पारस्परिक क्रिया होती है। इनकी तुलना प्राणायाम के योग्याभ्यास से की जाती है। श्वास अंदर लो, रोको, बाहर निकालो। सांस का निलंबन वाइड रिक्त स्थान है, जहां चिंतन मनन होता है। मध्य रिक्त स्थान आवश्यक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अतः यह चीनी दृश्यावली में सफेद अति चित्रित स्थान का महत्व है और इसी के साथ ये हिंदी सारांश लैंडस्केप ऑफ द सोल समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर समझने में कुछ हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।